हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल जेबी सेज में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है बच्चों की सर्दी। अक्सर हम देखते हैं कि मॉनसून के सीजन्स में या ठंड के सीज़न में बच्चों का नाक बहने लगता है या उनका नाक बंद हो जाता है और वो मुंह से सांस लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा इससे वो लोग परेशान रहते हैं। छोटे बच्चों में ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें भी हम अक्सर देखते हैं कि ये प्रॉब्लम रहती ही है। ऐसे में हम बच्चों को अगर दवाई देना चाहते हैं तो वो दवाई आसानी से नहीं लेते हैं। अगर जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि नोज़ ड्रॉप्स आप डालो, तो जो छोटे बेबीज़ हैं उनको तो नोज़ ड्रॉप्स भी डालना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि हम बच्चों की ये जो नाक बंद जो हो जाता है वो प्रॉब्लम को बिना किसी दवाई के आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको घर पे मिल जाएंगे आसानी से। सबसे पहले हमें चाहिए एक रुमाल या कोई भी एक साफ़ सुथरा कपड़ा आप ले लो, और छोटा सा हो वो, बहुत बड़ा ना हो साइज़ में, आप एक छोटा सा रुमाल ले लो। दूसरा इंग्रेडिएंट है अजवाइन, जो कि हर घर में आसानी से पाई जाती है। किसी भी क्वालिटी की अजवाइन हो आप ले लो। और अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है तवा या फ्राइंग पैन। अगर आपके घर पे तवा है तो तवा, फ्राइंग पैन है तो फ्राइंग पैन, आपको वो चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपने तवे को जो है स्टोव पे रख कर गर्म करना है, और जब वो हल्का सा गर्म हो जाए उस पर आपने अजवाइन डालकर उसको अच्छे से पका सा लेना है अजवाइन को, और उसकी एक पोटली बना लेनी है। पोटली बनाकर आपने क्या करना है कि उस पोटली को आपने बच्चे को कहना है कि भाई वो उसको सूंघे, वो जितने लंबे लंबे सांस ले सकेगा बच्चा, आप उसको बोलो कि बेटा आप इसको लंबे सांस लेकर थोड़ा सूंघने की कोशिश करो। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो सूंघना भी ठीक से नहीं चाहते हैं, कई बार उनको स्मेल नहीं अच्छी लगती अजवाइन की। तो ऐसे में आप जब बच्चे सो जाएं तो रात को बच्चे के आसपास भी ये पोटली अगर रख देते हो, उससे भी इसका जो अजवाइन की जो स्मेल है काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो वो सूंघते रहते हैं बच्चे। छाती पर भी आप उनको थोड़ा सा इसे, मतलब कि हल्का सा सेक दे सकते हो बच्चे की छाती पर भी इससे। इससे हमने देखा कि बहुत ही जल्दी बच्चे ठीक होते हैं और उनका नाक काफ़ी जल्दी खुल जाता है। और ये उपाय आप तब तक करो जब तक कि बेबी का नाक खुल ना जाए। आपको अगर ये मेरा चैनल पसंद आया है, मेरा उपाय आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक